हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फिक्स स्कार 100%। आप इस स्किन से इस स्किन में कैसे जा सकते हो, और मैं आज आपको एकदम ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा जो इंटरनेट पे है ही नहीं, और है तो आपको बहुत खोजने से मिलेंगे। इसमें ना कोई बुलशिट होगी कि ये क्रीम लगा लो, ये क्रीम लगा लो, आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी। ना, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, वो भी हार्डकोर सॉल्यूशन होगा। इसमें आपको दर्द हो सकता है, बट आपकी स्किन एकदम 15 दिन में ऐसे खिली खिली हो जाएगी। और जो आपके स्कार्स हैं, क्योंकि स्कार्स जो होते हैं ना, वो दवा ववा इन सबसे ठीक नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, वो डर्मस लेयर आपकी डैमेज हो रखी होती है। डर्मस लेयर वो होती है जो एपिडर्मस के नीचे होती है, जो अपने अपर स्किन है वो एपिडर्मस है, उसके नीचे वाली स्किन है वो डर्मस लेयर है। तो इसमें आपको कोई भी सजेस्ट करे कि भाई ये क्रीम लगा ले, ये लगा ले, ये लगा, आपके कुछ भी नहीं होगा अगर जो डीप स्कार हैं वो आपके नहीं जाएंगे। अब अपन को डीप स्कार मिटाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपन नहीं अपनी स्किन करेगी पहली बात। तो स्किन क्या करेगी, कोलाजन प्रोड्यूस करेगी। अपन को एक सेमुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा स्किन को, ताकि वो ज़्यादा कोलाजन प्रोड्यूस कर सके। और कोलाजन क्या है, कोलाजन एक तरह का प्रोटीन है जो अपनी स्किन को रीजनरेट करेगा, तो वो है कोलाजन। अब आप दो तरीके से स्किन रीजनरेट कर सकते हो, कोलाजन प्रोड्यूस कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है डर्मा रोलर। जी हाँ, ये है डर्मा रोलर। तो ये क्या है, इसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये इस तरह से। मैं अभी लगाऊंगा नहीं स्किन पे, क्योंकि ये मेरे बालों के लिए है। हाँ, बालों के लिए अलग वीडियो आएगी कि बाल कैसे उगाएं। तो ये क्या आपको अपने स्किन पे करना है, और स्किन इसमें क्या होगा, स्किन आपकी डैमेज होगी। मतलब डैमेज मतलब आप करोगे, आपके खून निकलेगा लिटिल बिट, डरना मत। तो आपकी स्किन डैमेज होगी, तो आपके इंटरनल बॉडी को ऐसा लगेगा भाई स्किन पे कुछ हो चुका है, मेरे को स्किन को हील करनी है। स्किन हील करने के लिए क्या करेगा, कोलेजन प्रोड्यूस, और उस कोलेजन प्रोड्यूस से आपके जो स्कार्स एंड डीप स्कार है वो हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सबसे इफेक्टिव मेथड है, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, PRP, अलग अलग लेजर्स चीज़ कराने पड़ेंगे, बट यही चीज़ आप घर में कर सकते हो। और आपको एक फैक्ट बताऊं, मैं आपको एक ऐसी लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके जो डॉक्टर है, आप जो डॉक्टर को हर सेशन 2000 देते हो और मिनिमम आपको 6 सेशन करना पड़ता है, मतलब 12000 के फ्री में आप घर पे कैसे कर सकते, बट वो नेक्स्ट की होगी। आप ये वाली वीडियो देखिए, इसमें भी आपको बहुत इन्फो मिलेगी। इसमें आप डर्मा रोलर करिए, जैसे स्किन को ऐसे टाइट खींचिए और 5 बार ऊपर, 5 बार क्रॉस सिंबल बना रहा है आपको सिंबल स्कार पे, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 है TCA क्रॉस। अब यार TCA बहुत डेंजर चीज़ है, क्योंकि आपको, आपने ये फोटो देखो, ये मेरी फोटो है जब मैंने TCA पील करा था। TCA क्रॉस क्या होता है कि आपको एक स्टिक लेनी है, उसमें से एसिड निकालना है और अपने स्कार में फिट। ये भी क्या करेगा, आपकी स्किन को डैमेज करेगा, आपकी बॉडी को बोलेगा भाई मेरे को हील कर, आपकी बॉडी कोलाजन प्रोड्यूस करेगी, देन आपके स्कार्स हील होंगे। बट ये सबसे रिस्की मेथड है, और अगर आपको इसको भी परफॉर्म करना है, बट इसका जो रिजल्ट है, पिक रिजल्ट है, हाँ वही होता है ना, रिस्क के साथ आपको रिजल्ट, रिस्क है तो इश्क है, मतलब ये वाला डायलॉग है ना। तो अगर आप इस TCA क्रॉस को करोगे तो आपकी जो स्किन है वो वापस रिजुविनेट होगी और एकदम सही ढंग से आ जाएगी। इसमें आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, आपको TCA तो यूज़ ही नहीं करना, TCA क्रॉस बोल रहा हूँ, बट TCA यूज़ मत करना। ये एक तरह से जो केमिकल पील है, आप बेसिक जैसे ग्लाइकोसिल हो गया, या TCA भी कर सकते हो 15-20, इससे ऊपर नहीं जाना। मैंने TCA 50 लगाया था स्किन पे, जो जिससे मेरा बुरा हाल हो गया था, बट आपको मैक्स टू मैक्स TCA 20 तक रखना है, और आपको ढक्कन में लेके उसको डॉट डॉट करके लगा लेना है जहाँ पर भी स्कार्स है। फिर आपके जब आप लगा लोगे तो आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, ब्लैक होगी, 7 दिन में पपड़ी आएगी, पपड़ी उतरेगी, आपको वो स्कार दिखेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो ये 2 मेथड है, सबसे इफेक्टिव है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं 2 मेथड पे टिके रहें, और या बेसिक क्रीम व्रीम, इनसे कुछ बेसिक असर, इतना मेजर असर नहीं होगा कि आपके जो डीप स्कार एकदम अंदर तक जा रखे हैं वो सही होंगे। आप डर्मा रोलर ट्राई मार सकते हैं, वो तो ट्राई मारना, उसमें कोई रिस्क है नहीं, 15 दिन या 7 दिन में एक बार लगा लो, आपकी फिर स्किन में क्या थोड़ी वो हो जाएगी। बस आपको इन दोनों सिचुएशन में क्या ख्याल रखना है कि आपको सनस्क्रीन डेली लगाना है, वो भी थोप के लगाना है, ठीक है, SPF 50+, और बस आपको ये मेथड 3-4 बार कर लेना है, मतलब 4 सेशन करना है, और आपकी स्किन एकदम बच्चे जैसी हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो हर्ष तुम्हारी स्किन तो ऐसी भी नहीं, भाई लोग मैं लगाता ही नहीं हूँ, मेरे को आलस आता है, बट अभी आपको अगर आपके हो रखा है तो आपको आलस नहीं आना चाहिए, आपको लगाना चाहिए सिंपल, आपको अपनी स्किन इंप्रूव करने के लिए। आप यही चीज़ अगर डॉक्टर की करवाओगे, वो पर सेशन 2000 रुपये लेगा, मतलब मैं आपको काइंड ऑफ 12000 रुपये बचा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है, और बस कमेंट कर देना है तबाही वाला, और अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।